और यदि आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका विश्वास यदि आपका है तो सीएलसी एक विश्वास का नाम है। और कैसे है मैं आपको बताऊं, यहाँ जो लाइव प्रोग्राम है उसकी यही बातों को मैं प्रूफ के साथ में करना चाहूँगा। सबसे पहला तो सीएलसी घर जैसी, क्योंकि घर पे जब आती है तो घर जैसी होती है। लोग काजू और बादाम खा करके अकल बढ़ाते हैं, सरवण जी ने राह को रोड़ों को तरसा है। जले जब नखलिस्तान में तो इल्म हुआ कि वहाँ रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं। आपने जमीन से उठ करके इन बच्चों को और खुद को जब जीवन का परिवर्तन करने का मायना सिखा दिया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ घर जैसी है। इसीलिए यहाँ गांव का बच्चा जब घर से निकल कर जब सीएलसी पहुँचता है तो अपने आप को अनुभव करता है कि मैं अपने घर में हूँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि प्रमाण सही है। दूसरी चीज, आपने अभी 8 बच्चों का नाम लिया, 8 में से 4 महावीर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी घर जैसी है, क्योंकि इस 50 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में 2006 के बाद में शिक्षा का जो मायना परिवर्तित किया ये महावीर स्कूल ने किया, क्योंकि घर जैसा माहौल प्रोवाइड कर घर पे आकर के बैठ जाते हैं कैसे। दूसरी चीज संस्कार की, आपने 3 बच्चों के नाम लिए, चौथी बेटी किरण थी। इन तीनों बच्चे जो ये आज 6 बजे से लेकर के इस समय तक यहाँ बैठे हैं आपके संस्कारों की देन है। नहीं, हमें पता है कि क्लास में कैसे बैठे हैं। तीनों चारों जो बच्चे, चाहे आर्यन है, सुरेंद्र है, अशोक है, एक बंगड़वा था, हमें पता है कि किस तरीके से उनको बिठा करके रखते हैं, क्योंकि उनके पास में दिमाग तो था। और दिमाग जो होता है उसके पास में किसी न किसी प्रकार के आइडियाज निकलते रहते हैं। तो आपने संस्कार देकर के इन बच्चों को इस तरीके से किया। हमारी बेटी जो किरण है वो तो स्वाभाविक रूप से बहुत शांत और डिसिप्लिन में रहने वाली बच्ची थी। मैं सर उस बच्ची की एक बात बताता हूँ आपको। रामदेव जी है, ये तो रहते चैनपुरा, और बच्ची रहती थी वहाँ पर राजपुरा में। 12th क्लास के हाफ ईयरली के एग्जाम चल रहे थे तो मैं शाम को चला गया था। संडे के दिन काफ़ी अंधेरा सा हो गया था, पिताजी वगैरह तो सारे खेत में पानी देने के लिए गया था। कुएं की कोटड़ी जो थी, उस कोटड़ी में एक खाट थी, उस खाट के ऊपर बिस्तर है उनको समेटी हुई थी। एक मात्र पतला सा सोल होने में इतना सर्दी नहीं लगती कि सर अगर ज़्यादा उड़ लूँगी तो नींद आने लग जाएगी। क्या बात है, ये उन बच्चों की रुचि नहीं सकती। इसके कारण से आज सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए और आज अच्छे मुकाम के ऊपर पहुँच रहे हैं। चौथी तीसरी जो बात आई थी वो थी विश्वास की। देखिए, दुनिया में कोई भी जो काम होता है आपका मन में अगर विश्वास नहीं है, पहले से अविश्वास है, काम की सफलता की जो गारंटी है ना वो 40% रह जाती है। और यदि आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका विश्वास यदि आपका है तो सीएलसी एक विश्वास का नाम है। और कैसे है मैं आपको बताऊं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ में एक मल्टीटास्किंग स्टाफ रहता था, जो सब कुछ था, उनका कुक भी था, उनका ड्राइवर भी था, उनका सब कुछ हेल्पर था, और बहुत ज़्यादा विश्वास अल्बर्ट आइंस्टाइन उसके ऊपर करते थे। वो जो मल्टीटास्किंग स्टाफ था, एकमात्र सब कुछ वो भी उनके ऊपर करते थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम पूछ गया तो उनको तरह तरह के व्याख्यान पे बुलाया जाता था, तो एक दिन क्या है कि बातचीत, जैसे आपके वो बीच में बातचीत होती रहती है, उस बातचीत में वो जाते समय गाड़ी में कहा, सर आपने जितने भी जो व्याख्यान दिए वो मेरे को कंठस्थ याद है। तो आइंस्टाइन ने कहा, एक काम करो, आज जहाँ पर मेरे को बुलाया जा रहा है ना, आयोजक कोई नहीं जानता है, और तुम लोग वो व्याख्यान है ना वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बन करके देना। कसर दे दूंगा कोई दिक्कत। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो दर्शक दीर्घा में बैठ के कुर्सी पे जाकर के, और वो चीफ गेस्ट में बन करके उनको जो मौका दिया गया तो बोलता गया, लोगों की आंखें फटी रह गई। सारी चीज़ें वही जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी, वो लास्ट का जो समय था उसमें एक जिज्ञासा के लिए एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आपकी ये दिमाग में कैसे आया, ये सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया वो दिमाग में कैसे है। इतनी सी बात, ये बात तो मेरे ड्राइवर होता है विश्वास, इतनी सी बात ये समझ लो, ये बात तो मेरे ड्राइवर बता सकते। लो सर आप बताइए, तुरंत आकर के सीट पर बैठ करके आइंस्टाइन आकर के सारी चीज बता दी। ये होता है विश्वास। यदि किसी गार्जियन में और बच्चे में विश्वास रहता है तो वो मंजिलों को प्राप्त कर सकता है। आप लोगों ने इस आसपास के क्षेत्र में, मेरे अनुजी हैं बुकर सर, इन्होंने तो एजुकेशन के मामले में यहाँ पर पावर जनरेट का काम किया और आपने डाइवर्ट करके उनको मंजिलों तक मतलब पहुँचाया। हम आप लोग दोनों को ही हस्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एजुकेशन का, और आज तो घर
तक आया। इस आंगन में मेरा तो कई बार रात को 8-9 बजे तक राम बख्शी के पास बैठ बैठ करके हताइयाँ की हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर आए और सब लोगों से मिले, मुखारविंद हुए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।